ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जैसे कि मडी वाटर हो जाता है, टैप वाला जो पानी होता है कई बार मडी वाटर आता है, पॉन्ड में भी आपने देखा होगा कई बार मडी वाटर आता है आफ्टर रेन स्पेशली, तो उसे अलग करना होता है तो हम फिल्ट्रेशन से करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी फिफ्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही जो हमने अभी तक सारी टर्म्स पढ़ी हैं, जो कि अभी तक मैंने आपको सभी एक्सप्लेन किया है, उसी के बारे में ही है ये सारा पैराग्राफ। लेकिन हम जब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मीन्स इसी चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फ़नल के अंदर फिल्टर पेपर लगाया जाता है ताकि प्योर वाटर हमें नीचे मिल जाए और इम्प्योरिटीज़ हमारी फ़नल के बीच में फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएँ। ठीक है, तो आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो, लेकिन जैसे भी मैंने समझाया आपको वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि फ़िल्टर पेपर में है ना जो वो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं जो बिगर साइज़ की होती हैं और पानी जो है क्लैरिटी से नीचे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस जो हैं वो फिल्टर किए जाते हैं बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड द सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। आपने भी देखा होगा जब आप संतरे वगैरह का जूस निकालें तो आपको फिल्ट्रेशन की तरह से ही वो काम होता है कि आपको जूस जूस मिल जाए और उसमें से जो सीड्स वगैरह हैं जो उसका पल्प है वो अलग हो जाए। ठीक है, और सेकंड बात जब हम पनीर की करते हैं, यहाँ पे मेकिंग ऑफ पनीर की बात बता रखी है कि कैसे बनाते हैं, आप सबको पता ही होगा कि जैसे दूध के अंदर जो है वो सिट्रिक कोई चीज़ डाल देते हैं, खट्टा कोई पदार्थ डाल देते हैं, जैसे लेमन जूस डाल दिया। ठीक है, तो वो फट जाता है और फिर जो मिक्सचर बन के आता है सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड जो है वो अलग हो जाता है, फिर उसे कपड़े में डाल के फिल्टर करके जो है पनीर अलग निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इवेपोरेशन आता है। इवेपोरेशन का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि पानी का भाप बन के उठ जाना। ठीक है, वेपर्स बन के उठ जाना। वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द सॉल्ट। तो वाटर एंड द सॉल्ट के लिए इवेपोरेशन यूज़ किया जाता है। जैसे आपने एक जार में जो है वो वाटर लिया और साथ में आपने सॉल्ट ले लिया, तो इसको सनलाइट के नीचे अगर आप रखोगे तो पानी जो है वो इवेपोरेशन से उठ जाएगा और सॉल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। ठीक है, और यही प्रोसेस जो है वो सॉल्ट बनाने के लिए जो है सी में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जैसे समुंदर का जो पानी होता है आप सबको पता है नमकीन होता है, और इसमें क्या करते हैं ये पिट्स बना देते हैं। ठीक है, गड्ढे से बना देते हैं, इसमें जो है वो सी को वाटर डाल देते हैं, सी वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सनलाइट ऊपर होती है तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे हमारे पास क्या मिल जाता है सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है सॉल्ट को ऑब्टेन करने का। ठीक है, डांडी मार्च याद रखिएगा जो गांधी जी ने चलाया था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके। ठीक है, और फिर जैसे ये तो हमें सॉल्ट मिल जाता है लेकिन ये भी प्योर नहीं होता है, फिर प्योरीफिकेशन प्रोसेस से उसे प्योर करके फिर वो हम खाते हैं। ठीक है, NaCl जो कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इन्होंने कैसे गड्ढे बना रखे हैं, पिट्स बना रखे हैं जिसके अंदर ये सी वाटर डाल देते हैं और पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है और नीचे हमें सॉल्ट मिल जाता है, फिर प्योरीफिकेशन से उसे हम प्योर करके यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब और मेथड देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। जैसे कि मैंने बताया था कि सॉल्ट एंड सैंड को जो है अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इनका सेम साइज़ होता है, लेकिन हम अब देखते हैं कि इन्हें कैसे करना है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन और द फिल्ट्रेशन। सैंड को जो सेपरेट किया जाता है वो डिकेंटेशन से। डिकेंटेशन वही था जैसे अगर एक गिलास में हमें टर्न करना है पानी एंड ऑयल का मिक्सचर, तो ऑयल जो है वो पीछे रह जाएगा, पानी जो है वो निकल के आ जाएगा, वो डिकेंटेशन था ना, तो उसी प्रोसेस से हम सैंड का भी सेपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद वी नीड टू सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंट लिक्विड। तो सॉल्ट एंड वाटर को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू द कैटल एंड क्लोज द लिड, हीट द कैटल फॉर सम टाइम। डू यू नोटिस द सीम कमिंग आउट फ्रॉम द कैटल। तो इन्होंने यही बताया कि जो भाप बन के वो उठ जाएगा पानी और जो भी होगा और नीचे हमें जो है वो सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कंडेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ द वाटर वेपर इनटू द लिक्विड। तो आपने कभी नोटिस किया होगा
ये इन्होंने काफ़ी अच्छा समझा रखा है। व्हेन द स्टीम कम आउट इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट, जब जैसे कि मान लीजिए नीचे हीट है, ठीक है, कोई वेसल रखा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने कोई प्लेट रख दी, ठीक है, तो इस प्लेट जो है वो उसके ऊपर भी जो है आपने ना आइस रख दी, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो है वो वेपर्स बन रहे होंगे इस प्लेट के जो नीचे है, नीचे वाला पोर्शन होगा उस पर वेपर्स बन रहे होंगे, तो आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप इसे हटाएंगे तो ये वाटर बन जाएगा। तो ये सिंपली क्या हो रहा है, वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, तो वाटर वेपर से लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होना कहता है कंडेंसेशन। और जब हम बात करते हैं वाटर टू वाटर वेपर, है ना, वाटर टू वाटर वेपर क्या होता है, वो हमारा होता है इवेपोरेशन, ठीक है, मतलब भाप में बन जाना इवेपोरेशन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको ना इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि इवेपोरेशन में पानी उठ जाता है और कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर होते हैं, जो भाप बन के उठता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वैसे ही इन्होंने आइस वगैरह दिखा रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और पर कंप्लीट जरूर मैं करूँगी सारी टर्म्स, बस आपको समझ आनी चाहिए जो जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये अब देखते हैं एक्टिविटी 8 में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि सोल्यूबल एंड सैचुरेटेड, ये सब बातें क्या होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है सैचुरेटेड, तो सैचुरेशन का मतलब मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो क्या होता है सैचुरेशन का मतलब, कि एक हद तक ही कोई सॉल्ट जो है वो एक जो लिक्विड है उसमें जो है डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा इस सब पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसे पॉज करके, ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ क्या होता है। इन्होंने बोला है कि एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर वाटर डालिए, ठीक है, इसके अंदर आप सॉल्ट डालिए, ठीक है, आप देखेंगे इसे स्टर कीजिए, ये मिल जाएगा, घुल जाएगा मींस, ठीक है, डिजोल्व हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, दोबारा से सॉल्ट लीजिए, उसे घोलने की कोशिश कीजिए, तो आप क्या देखेंगे, घुल गया, ठीक है। फिर सॉल्ट लीजिए थोड़ा सा, फिर घोलने की कोशिश कीजिए, घुल जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सॉल्ट इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो वो जो पॉइंट आएगा जब सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा उसे ही बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो इन्होंने यही बोला कि आप शुगर के साथ भी जो है वो ये करके देखिएगा, ट्राई की कब ये जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो आप एक बारी प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, उसके साथ नमक के साथ भी ट्राई कीजिएगा आप एक बार इसे, कि कौन से कितने चम्मच डालने के बाद जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आपको ऑब्टेन होता है, ठीक है। एक्टिविटी 9 की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये वाला जो पैराग्राफ है आप उसे ध्यान से पढ़िए। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वान्टिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन द हीटिंग। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, आपने इसमें ज़्यादा नमक एकदम से डाल दिया, ठीक है, तो आप सबको पता है कि थोड़े से पानी में ज़्यादा नमक एकदम से तो डिज़ोल्व होने से रहा नहीं, डिज़ोल्व होगा, लेकिन जब आप इसे हीट करेंगे ना तो ये सारा सॉल्ट जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगा। यही इन दो लाइनों में लिखा हुआ है, और यही दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी 9 में, यही है कि आप इसे ट्राई कीजिएगा कि अगर आपने थोड़े से पानी में भी ज़्यादा नमक डाल दिया तो डिज़ोल्व होना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे हीट कर देते हैं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। एक्टिविटी 10 की बात करते हैं, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इन्होंने यही बताया हुआ है कि दो ग्लास लीजिए और उसमें मतलब पोर हाफ कप ऑफ द वाटर डालिए उसमें, और शुगर डालिए, सॉरी सॉल्ट डालिए एक में, एक गिलास में सॉल्ट डालिए, और तब तक उसे डिज़ोल्व करते रहिए जब तक वो पूरा नहीं घुल जाता, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, बस वही सेम एक्टिविटीज़ में कहा है कि आप रिपीट करके देखिए शुगर के साथ, जैसे कि मैंने बताया ना कि सॉल्ट के साथ कीजिए पहले, तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शुगर के साथ इसे रिपीट करके देखिए कि आपको सैचुरेशन पॉइंट कब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप
डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर देन ऑफ द सब्सटेंस इन इट, एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद ये घुलना बंद हो जाएगा। तो कीवर्ड्स हमने क्या देखे, चर्निंग हमने देख लिया, कंडेंसेशन देख लिया, डिकेंटेशन देख लिया, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग। सीविंग वही था जो हम घर में आटा जो है वो छन्नी से छानते हैं ना, याद कीजिए। सॉल्यूशन फिर हमने पढ़ लिया, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सभी पढ़ लिए। उसके बाद बात करते हैं हैंड पिकिंग, विनोइंग, सेविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। ये मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर के। हस्क एंड स्टोन को हम सेपरेट कर सकते हैं हाथ से क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। हस्क को सेपरेट कर सकते हैं हैवियर सीड से विनोइंग में। विनोइंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बारी बैक जाके देख सकते हैं आप। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द मिक्सचर जो है वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं दो मेथड से, सीविंग एंड द फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, द हैवियर सैंड पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा डिकेंटेशन से। ये भी मैंने आपको बताया था डिकेंटेशन का प्रोसेस। उसके बाद फिल्ट्रेशन जो है वो सेपरेट करने के लिए होता है मिक्सचर ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड को। सॉलिड जो है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और सॉलिड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है इम्प्योरिटीज़ के साथ, और लिक्विड जो है वो आपको फनल से नीचे मिल जाता है। इवेपोरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर जो है वो लिक्विड जो है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो सब्सटेंस डिजोल्व होना बंद कर देता है। मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, ठीक है। मोर हम जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादा नमक को हम कब डिजोल्व कर सकते हैं, हीट करके, ठीक है। वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट इन इट, तो पानी जो है वो ज़्यादातर अपने अंदर जो है सब्सटेंसेस डिजोल्व सोल्यूबल कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम अपने कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस की, क्योंकि ये हम ज़रूर बात करते हैं इसके बारे में। व्हाई डू वी नीड द सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, तो मैंने आपको बताया था क्योंकि हमें यूज़फुल कुछ चीज़ें चाहिए होती है अपनी बॉडी के लिए, तो अनयूज़फुल चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती। और उन्होंने बोला है दो एग्जांपल बताइए, तो आप जैसे चाय पत्ती का एग्जांपल बता सकते हैं, आप जब चाय पीते हैं तो इम्प्योरिटीज़ को छान लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि वीट राइस में से भी आप स्टोन को अलग कर लेते हैं। उसके बाद विनोइंग मेथड मैंने आपको बताया था, वो छज्जे से जैसे लेडीज़ करती हैं अपने शोल्डर के ऊपर ले जाकर जो डस्ट और वो होती है वो एयर से अलग हो जाती है और हमें जो मेन ग्रेन्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हाउ विल यू सेपरेट द हस्क एंड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, तो ये आप सबको पता है कि ये आप विनोइंग मेथड से अलग कर सकते हैं। विनोइंग मेथड आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और सीविंग प्रोसेस भी आपको मैंने बताया था कि वो जो आटा जब हम लेके आते हैं तो उसे छन्नी से पहले छानते हैं, तो उसका हस्क वगैरह जो है वो सीव के ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो ये डेली यूज़ किया जाता है घर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, हाउ विल यू सेपरेट द सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर, तो सैंड एंड वाटर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। दो प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको बताए थे सेडिमेंटेशन एंड द डिकेंटेशन, ठीक है। तो डिकेंटेशन तो वही है कि दो सेपरेट लेयर्स ऑयल वाला, याद कीजिए ऑयल अलग रह जाएगा, तो वो सैंड एंड वाटर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द शुगर मिक्स्ड विद द व्हीट फ्लोर, अगर है तो कौन से मेथड से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है व्हीट में से शुगर को अलग करना, सीविंग मेथड से, वही जैसे जो छन्नी से हम आटा अलग करते हैं ना, तो जो घर में रोटियां पकाने से पहले किया जाता है वो, ठीक है। सेवन्थ जो है वो हमारा कहता है, हाउ वुड यू ऑब्टेन द क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ द मडी वाटर, तो मैंने ये फिल्ट्रेशन वाला मेथड आपको बताया था कि मडी वाटर को अलग करने का क्या, प्योरिफिकेशन में भी यूज़ होता है कि फिल्टर पेपर के ऊपर आपके पास जो है वो इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, नीचे आपके पास प्योर वाटर मिल जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, ये देख लेते हैं क्या कहता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सीड ऑफ द पैडी फ्रॉम इट्स स्टार्क्स, तो इसे बोला जाता है थ्रेशिंग। व्हेन द मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन द पीस ऑफ द क्लॉथ, द क्रीम, मतलब जो मलाई निकल के आती है लेफ्ट बिहाइंड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो सेपरेट करता है क्रीम फ्रॉम द मिल्क, इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फिल्ट्रेशन होती है ये, ठीक है। सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर, मैंने आपको बताया था जब सॉल्ट को कैसे वो पिट्स बना लेते हैं, फिर जो सी वाटर होता है उसके अंदर डालते हैं, तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, पीछे हमें सॉल्ट मिल जाता है, तो ये
कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन का, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट इन द बकेट द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप द प्रोसेस सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज नोन एज सेडिमेंटेशन एंड द डिकेंटेशन। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो सेपरेट किए जाते हैं फिल्ट्रेशन से, बिल्कुल गलत। मिल्क एंड वाटर को थोड़ा सेपरेट किया जा सकता है, वो तो दोनों पानी ही है एक तरह से, तो वो थोड़ा होएगा सॉलिड। एंड अगर इम्प्योरिटी सॉलिड होती तो वो अलग होना था ना उससे। तो मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द टी इज डन बाय फिल्ट्रेशन, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ग्रेन एंड हस्क थोड़ा डिकेंटेशन से होती है, ये तो हैंड पिकिंग से होती है, डिकेंटेशन तो लिक्विड्स में अलग करने के काम आता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन हमारे पास है, लेमोनेड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है लेमन जूस एंड शुगर से इन वाटर, ठीक है, आपने भी पिया होगा ये घर पे। Wish to add ice to cool it, should you add ice to lemonade before and after dissolving the sugar, in which case would it be possible to dissolve the more sugar। तो ये इसका आंसर क्या होगा, जब मतलब कि टेम्परेचर हाई होता है देन हम शुगर जो है वो डिजोल्व कर सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर कब होगा, जब उसे हम हीट कर रहे होंगे, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ आइस इट गेट्स कूल, जब हम आइस उसमें डाल देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, तो वो लेस डिजोल्व होगी, जो शुगर होगी वो लेस डिजोल्व होगी। मैंने आपको बताया था ना, जो ज़्यादा सॉल्ट जो है वो हमें उसके अंदर ऐड करने के लिए उसे क्या करना होगा, हीट करना होगा ताकि वो इजीली डिजोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आज 5th चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, इसका सेकेंड पार्ट भी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम चेंजेस अराउंड द वर्ल्ड पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।